नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट एक देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, 30 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस होमगार्ड का दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करती आज का वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें आपको 5 सेकंड का समय देंगे। सब क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड का आपको समय देंगे। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है, अखरावट किसकी रचना है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, अखरावट किसकी रचना है। एम दोस्तों है बिहारी, बीम दोस्तों सूरदास है, सीम दोस्तों कबीर है, डीम दोस्तों जायसी है। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी जायसी। क्या दोस्तों होगा, डी जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर चलते हैं। दो नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, भक्तमाल में लगभग कितने भक्तों का चरित ज्ञान है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, भक्तमाल में लगभग कितने भक्तों का चरित ज्ञान है। इसके चार ऑप्शन दोस्तों है, ए में है 110, बी में दोस्तों 150 है, सी में दोस्तों 200 है, डी में दोस्तों 112 है। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी 200। क्या दोस्तों का सी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन तीन नंबर चलते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था। इसके चार ऑप्शन है, ए में 1971, बी दोस्तों है 1980, सी में है 1981, डी में दोस्तों 1975। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए 1971। क्या दोस्तों होगा, ए 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर चलते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, रघुवर साय ने साहित्य सृजन का कार्य कब शुरू किया। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, रघुवर साय ने साहित्य सृजन का कार्य कब शुरू किया था। इसका दोस्तों चार ऑप्शन है, ए में 1950, बी में दोस्तों 1946, सी में दोस्तों 1953, डी में दोस्तों 1954। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों का बी 1946। क्या दोस्तों का, बी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन पांच नंबर चलते हैं। पांच नंबर क्वेश्चन है, अरुण कमल जी की का प्रमुख कविता संग्रह है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, अरुण कमल जी का प्रमुख कविता संग्रह है। इसमें ए में दोस्तों है अपनी तलवार, बी में दोस्तों अपनी पहचान, सी में दोस्तों अपनी बाड़ी, डी में दोस्तों है अपनी केवल धार। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी अपनी केवल धार। क्या दोस्तों होगा, डी अपनी केवल धार। नेक्स्ट क्वेश्चन छः नंबर चलते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है, विष्णु प्रभाकर जी की पत्नी का क्या नाम था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, विष्णु प्रभाकर जी की पत्नी का क्या नाम था। ए में रश्मि, बी में दोस्तों लक्ष्मी है, सी में दोस्तों प्रभा है, डी में दोस्तों सुशीला है। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा डी सुशीला। क्या दोस्तों होगा, डी सुशीला। नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में निराला जी की रचनाएं हैं। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में निराला जी की रचनाएं हैं। ए में है परिमल, बी में दोस्तों अनिमा है, सी में दोस्तों अर्चना है, डी में दोस्तों ये सभी है। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी ये सभी। परिमल भी दोस्तों होगा, अनिमा भी होगा दोस्तों, अर्चना भी होगा, इसलिए दोस्तों ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसे आधुनिक गद्य प्रधान कविता का जनक माना जाता है। एम दोस्तों है गुलेडी जी का, बीम दोस्तों महादेवी प्रसाद द्विवेदी का, सीम दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का, डीम दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी बालकृष्ण भट्ट। क्या दोस्तों होगा, सी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नौ नंबर चलते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है, अपने अध्ययन काल में गुलेडी जी ने नागरी मंच की कहाँ स्थापना करने में योगदान दिया। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, अपने अध्ययन काल में ग्लोरी जी ने नागरी मंच की कहाँ स्थापना करने में योगदान दिया।
ए में दोस्तों जोधपुर है, बी में दोस्तों उदयपुर है, सी में दोस्तों जयपुर है और डी में दोस्तों उधमपुर है। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों सही आंसर होगा सी जयपुर। क्या दोस्तों का सी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है पूस की रात कहानी में किसका चित्रण हुआ है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? पूस की रात की कहानी में किसका चित्रण हुआ है? एम दोस्तों है यह कहानी एक गरीब किसान के जिम्मेदार बनने का चित्रण करती है। बीम दोस्तों है यह कहानी एक मजदूर की कर्तव्य प्रणयगत का चित्रण करती है। सीम दोस्तों है यह कहानी शोषित वर्ग की दीन दशा का यथार्थ चिंतन करती है। डीम दोस्तों उपरोक्त सभी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों होगा सी यह कहानी शोषित वर्ग की दीन दशा का यथार्थ चिंतन करती है। क्या दोस्तों होगा? सी यह कहानी शोषित वर्ग की दीन दशा का यथार्थ चिंतन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है मोहन राकेश ने अपने लेखन की शुरुआत 1944 में किस कहानी से की। क्या क्वेश्चन होते हैं? मोहन राकेश ने अपने लेखन की शुरुआत 1944 में किस कहानी से की? ए में है सफलता की कहानी, बी में छोटी कहानी, सी में दोस्तों नन्ही कहानी और डी में दोस्तों असफलता की कहानी। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सी नन्ही कहानी। क्या दोस्तों का सी नन्ही कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद जी की पहली कहानी है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? प्रेमचंद जी की पहली कहानी है। ए में है बड़े घर की बेटी, बी में दोस्तों है सोत, सी में दोस्तों कफन है, डी में दोस्तों ईदगाह है। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बी सोत। क्या दोस्तों का बी सोत। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है सत्यजीत राय का जन्म कब और कब हुआ था। क्या क्वेश्चन दोस्तों? सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? एम दोस्तों है वर्ष 1924 में, बीम दोस्तों है वर्ष 1921 में, सीम दोस्तों है 1821 में, डीम दोस्तों है 1942 में। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हम दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। इसका सही आंसर दोस्तों को बताइए कमेंट बॉक्स में क्या सही होगा इसका आंसर? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी वर्ष 1921 में। क्या दोस्तों होगा? बी वर्ष 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था। क्या क्वेश्चन दोस्तों? जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था? ए में है जिद्दू नारा मानिया, बी में दोस्तों है जिद्दू तारा सिंह, सी में दोस्तों है नारायण मूर्ति और डी में दोस्तों है वासुदेव अग्रवाल। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर दोस्तों होगा ए जिद्दू नारा मनिया। क्या दोस्तों का ए जिद्दू नारा मनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कृष्णमूर्ति की मृत्यु हुई थी। क्या क्वेश्चन दोस्तों है? कृष्णमूर्ति की मृत्यु हुई थी। ए में दोस्तों 1986, बी में दोस्तों 1982, सी में दोस्तों है 1980, डी में दोस्तों 1990। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए 1986 में। क्या दोस्तों का ए 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 16 नंबर है। 16 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय जी की किस रचना में पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या क्वेश्चन दोस्तों? अज्ञेय जी की किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए में है परंपरा, बी में दोस्तों है कितनी नावों में कितनी बार, सी में दोस्तों है शरणार्थी और डी में दोस्तों हरी घास पर क्षण भर। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी कितनी नारबे में कितनी बार। क्या दोस्तों कभी कितनी नारबों में कितनी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है झीलों का नगर विनेत नाम में किस शहर को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन दोस्तों? झीलों का नगर विनेत नाम में किस शहर को कहा जाता है? एम दोस्तों है
हो ची मिन भीम दोस्तों है, हावनी सिम दोस्तों है, हु अडिम दोस्तों है, क्यूबी हॉन। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी बी होगा दोस्तों हानोई। क्या दोस्तों का बी हानोई। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर चलते हैं। 98 क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय किस परिषद के संचालक बने। क्या क्वेश्चन दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय किस परिषद के संचालक बने? एम दोस्तों राजस्थान राष्ट्रभाषा परिषद, बीम दोस्तों है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, सीम दोस्तों उत्तर प्रदेश राष्ट्रभाषा परिषद, डीम दोस्तों है हरियाणा राष्ट्रभाषा परिषद। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। क्या दोस्तों होगा? बी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में दोस्तों है, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी, मैं ठाकुर का क्या अर्थ है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? तुम मेरे ठाकुर मैं तेरी दासी, मैं ठाकुर का क्या अर्थ है? ए में दोस्तों दास है, बीम दोस्तों स्वामी है, सीम दोस्तों राम है, डीम दोस्तों कृष्ण है। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में सब दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों सही आंसर होगा बी स्वामी। क्या दोस्तों? बी स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं दोस्तों। 20 में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मीरा जी की है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? निम्न में से कौन सी रचना मीरा जी की है? ए में दोस्तों है गीत गोविंद का टीका, बीम दोस्तों है नरसिंह जी का मायरा, सीम दोस्तों है राग सोरसा की पद, और डीम दोस्तों उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। क्या दोस्तों का? डी उपयुक्त सभी। गीत गोविंद का टीका, भीम दोस्तों है नर्सरी जी का मायरा, सीम दोस्तों राग सोरसा के पद, ये दोस्तों उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं दोस्तों। 21 में क्वेश्चन है, नरेश सक्सेना का जन्म हुआ था। क्या क्वेश्चन दोस्तों? नरेश सक्सेना का जन्म हुआ था। एम दोस्तों ग्वालियर है, भीम दोस्तों जबलपुर है, सीम दोस्तों नेपाल है, डीम दोस्तों उज्जैन है। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए ग्वालियर। क्या दोस्तों? गए ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, गगन गिल की कृति या आकांक्षा समय नहीं का प्रकाशित हुई थी। क्या क्वेश्चन दोस्तों? गगन गिल की कृति या आकांक्षा समय नहीं का प्रकाशित हुई थी। एम दोस्तों वर्ष 1997 में, बीम दोस्तों वर्ष 1999 में, सीम दोस्तों वर्ष 2005 में, और डीम दोस्तों वर्ष 2010 में। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए वर्ष 1997 में। क्या दोस्तों होगा? ए वर्ष 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, माथुर जी का निधन हुआ। क्या क्वेश्चन दोस्तों? माथुर जी का निधन हुआ। एम दोस्तों 14 मई 1978, बीम दोस्तों 20 मई 1978, सीम दोस्तों 25 मई 1978, डीम दोस्तों 22 मई 1978। इसका दोस्तों सही आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना है सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका दोस्तों सही आंसर होगा आपको ए 14 मई 1978। क्या दोस्तों का? ये 14 मई 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं दोस्तों। 24 में क्वेश्चन है, ग्वालियर में श्रीमंत राव साहब पेशवा ने कितने दिन बिताए? क्या क्वेश्चन दोस्तों? ग्वालियर में श्रीमंत राव साहब ने पेशवा ने कितने दिन बिताए? एम दोस्तों 16 दिन, बीम दोस्तों 18 दिन, सीम दोस्तों 17 दिन, और डीम दोस्तों 19 दिन। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए, आपको 5 सेकंड का समय दे रहे दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा बी 18 दिन। क्या दोस्तों का? बी 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25 में क्वेश्चन है, ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक पैदा होता है किसके लिए कहा गया है? क्या क्वेश्चन दोस्तों? ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही पैदा होता है किसके लिए कहा गया है? एम दोस्तों
कुमार गंधर्व, बीम दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सीम दोस्तों लता मंगेशकर और डीम दोस्तों नूरजहां। इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताइए। आपको 5 सेकेंड समय दे रहे दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर आपको होगा सी लता मंगेशकर। क्या दोस्तों का सी लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। एम दोस्तों है व्हाट पीपल, बीम दोस्तों है हे राम, सीम दोस्तों वेनु वन और डीम दोस्तों ये सभी। इसका सही आंसर दोस्तों बताइए, सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी ये सभी। क्या दोस्तों का ये डी ये सभी। एम दोस्तों है वह व्हाट और पीपल दोस्तों है, बीम दोस्तों हे राम है और सीम दोस्तों वेनु वन है, इसलिए दोस्तों ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, पद्मा सचदेव को 2003 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उपन्यास के लिए मिला है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, पद्मा सचदेव को 2003 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला। एम दोस्तों जम्बू, जम्बू जो भी जो कभी सहारा था, बीम दोस्तों लद्दाख जो कभी सहारा था, सीम दोस्तों कार्ड्री जो कभी सहारा था, डीम दोस्तों ये सभी। इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ये जम्बू जो भी जो कभी सहारा था। क्या दोस्तों होगा ये जम्बू जो कभी सहारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, विष्णु जी का पहला नाटक था। क्या क्वेश्चन दोस्तों, विष्णु जी का पहला नाटक था। एम दोस्तों हत्या के बाद, बीम दोस्तों हत्या से पहले, सीम दोस्तों हथियारों का देवता, डीम दोस्तों ये सभी। इसका दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए हत्या के बाद। क्या दोस्तों होगा ये हत्या के बाद, ए हत्या के बाद होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, मोहनदास नेमिसराय द्वारा लिखित दलित साहित्य की कहानी है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, मोहनदास नेमिसराय द्वारा लिखित दलित साहित्य की कहानी है। एम दोस्तों अपना गांव, बीम दोस्तों अपना शहर, सीम दोस्तों अपना नगर, डीम दोस्तों अपना कस्बा। इसका दोस्तों सही आंसर बताइए क्या हुआ सही आंसर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, सभी दोस्त बताएंगे। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ये अपना, क्या हुआ दोस्तों ये अपना गांव। क्या हुआ दोस्तों ये अपना गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30वां क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन क्या दोस्तों है, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की कौन सी विधा की रचना है। क्या क्वेश्चन दोस्तों, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की कौन सी विधा की रचना है। एम दोस्तों नाटक है, बीम दोस्तों कहानी है और सीम दोस्तों उपन्यास है, डीम दोस्तों निबंध है। इसका कमेंट बॉक्स में दोस्तों सभी दोस्तों बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्द से जल्द बताइए दोस्तों। इसका दोस्तों सही आंसर होगा ए नाटक। क्या दोस्तों गए नाटक। वीडियो क्लास में दोस्तों हम एक प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं दोस्तों आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न दोस्तों है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन दोस्तों है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। एम दोस्तों है क, बीम दोस्तों इक है, सीम दोस्तों आख है और डीम दोस्तों अख है। इसका कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त बताएंगे सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको सही आंसर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।